दोस्तों आज के इस वीडियो पर आपको आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को कैसे लिंक करना है, इस वीडियो पर आपको सब कुछ जानकारी देने वाला हूं। अगर दोस्तों आप आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल घर बैठे आप आसानी से जोड़ सकते हैं। दोस्तों आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए एक नया तरीका आ चुका है जो कि आपको कहीं न कहीं नहीं पता होगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों मेरे बताए हुए आप अगर जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको 100% दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा आधार कार्ड के साथ। और यहाँ पर 100% सही और रियल तरीका बताएंगे जो कि आप आसानी से घर बैठे आसानी से जोड़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मेरा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। और दोस्तों मैंने इसी तरीके से आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया है, इसलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको सामने आधार कार्ड नंबर डालकर और यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको कैसे लिंक करना है आपको बताएंगे। और आधार नंबर डाल लेने के बाद इस कैप्चा कोड को डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे। और हम कैसे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हैं वही तरीका यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको 50 रुपए चार्ज लगेंगे जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे। आधार कार्ड के साथ अगर आप किसी भी प्रकार का अपडेट करते हैं, डेमोग्राफी, नाम या फिर पता या फिर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर साइड में देख चुके होंगे कि यहाँ पर आपको 50 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड को डाल देना है। और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपको मोबाइल नंबर जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालना है। और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। चलिए यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। और यहाँ पर आपको सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी जाएगा, जिस मोबाइल नंबर को जोड़ना चाहते हैं उसी नंबर पर आपको एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं। और यहाँ पर आपको टर्न एंड कंडीशन में क्लिक करना है, जो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको 50 रुपए कटेंगे। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो ऑर्डर करेंगे वो आपको आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पर भेज दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको टर्न एंड कंडीशन में क्लिक करना है और यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करना है। बस यहाँ पर आपको 50 रुपए पेमेंट कर देना है और बस आप 8 से 10 दिन आपको इंतजार करना है और आपका एक कार्ड दोस्तों आपको घर के पते पर आ जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। दोस्तों आप इस तरह से बड़ी आसानी से आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को जोड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस चैनल पर डेली इसी तरह के वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।